शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों को दीपावली के शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी को किस रंग के कपड़े में पूजा करनी है, आपको कौन सा मंत्र आपको उनको प्रसन्न करने के लिए करना है, जाप करना है, क्या दान करने हैं और कौन सा रुद्राक्ष पहनना है। मिथुन राशि और कर्क राशि, रुद्राक्ष धारण करना भी अति शुभ होता है और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट shivago.com या omdia.com से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में मंत्रित भी यदि आप चाहें तो। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातक, देखिए ये दीपावली के दिन आप श्रीयंत्र की स्थापना कीजिए। अस्फटिक श्रीयंत्र, इंडियन अस्फटिक श्रीयंत्र, आप चांदी का श्री बनवाकर भी अपने गले में धारण कर सकते हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी और लक्ष्मी जी के संयुक्त महामंत्र की दीपावली के दिन पूजा करने के पश्चात गले या तिजोरी में रखने से धन का भंडार भरा रहता है तथा परिवार में व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहेगा, सुखी रहेगा। देखिए मिथुन राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो है बुध, तो ऐसे में दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का पूजन पूरे विधि विधान के साथ आपको करना है। मोदक का भोग लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगर आप अपनी राशि के लिए शुभ रंग नारंगी जैसा जीवंत रंग चुनते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हरा रंग भी आप चुन सकते हैं। अगर आप धन को आकर्षित करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये दोनों रंग आपकी मदद करेंगे। यह आपके उत्साहित व्यक्तित्व को खूबसूरती से उजागर करेंगे और हर जगह लाभ दिलाएंगे। इस दिन आप गुड़ का दान कर सकते हैं और कपड़े में अगर देखा जाए तो आप क्रीम कलर भी ऑप्शनल रहेगा आपके पास, सेकेंड ऑप्शन। मिथुन राशि के जातक, जहां तक रुद्राक्ष की बात आती है तो आप 4, 5 या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातक, इस दिन आप सूर्ययंत्र, शुक्रयंत्र या चंद्रयंत्र बनवाकर अभिमंत्रित कर सकते हैं और मंदिर में इसको 1 वर्ष तक रखकर आप पूरी निष्ठा के साथ पूजा करें और रोज सुबह इनका आपको दर्शन करना है। इससे आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कर्क राशि के जातक, दीपावली के बाद पहली बार जब चंद्रमा दिखे, तो उस दिन से अगली पूर्णिमा तक हर रोज आप दूध से इनको अर्घ्य दीजिए, इसको चंद्र को, और केले के पत्ते पर दही भात रखकर आप चंद्रमा को दिखाइए, मतलब अर्घ्य दीजिए। मंदिर में पंडित जी को दान दीजिए, इससे धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। कर्क राशि के जातक, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजन में कमल के फूल से उनकी पूजा करनी है और कमल गट्टे की माला पे आपको मंत्र जाप करना है या स्फटिक की माला पे आपको मंत्र जाप करना है। ओम क्लिम, ओम एम क्लिम, ओम एम क्लिम, ओम एम क्लिम श्री भी ऐड कर सकते हैं। ओम एम क्लिम श्री, ओम एम क्लिम श्री, इस मंत्र का जाप करना है। कर्क राशि के लोगों को दिवाली पूजन में चाहें तो हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं, ये रंग आपके लिए शुभ रहेगा, ये आपको सफलता दिलाएगा। आपके स्वभाव से आपको प्रकृति का प्रेमी माना जाता है तो ये रंग आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, या फिर आप फिरोजा रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपको चलेगा। लक्ष्मी पूजन के पश्चात आपको चावल का दान करना है। रहा रुद्राक्ष का सवाल, तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं,
14 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं, 3 मुखी और 5 मुखी भी आप चाहें तो धारण कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।